नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डनके की चोट पे आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे खून की खराबी के लक्षण और कारण के बारे में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। रक्त की हमारे शरीर में अहम भूमिका होती है। रक्त हमारे शरीर में सभी तरह के पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। इससे हमारे शरीर को सभी पोषक तत्वों के साथ साथ जीवन मिलता है। ऐसे में यदि आपके खून में अपशिष्ट पदार्थ शामिल हो जाते हैं तब आपके खून में खराबी आ जाती है, जिससे आपके सामने बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती है, जबकि आपको इन समस्याओं के बारे में पता नहीं चल पाता। लेकिन धीरे धीरे करके इसके लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं। आज हम खून की खराबी के लक्षण और कारण के बारे में आपसे बात करेंगे, तो आइए जानते हैं खून की खराबी के लक्षण और कारण को विस्तार से। खून की खराबी के लक्षण। जब भी हमारे खून में किसी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ मिलकर हमारे खून को खराब कर देते हैं, तब इसका सबसे ज्यादा असर हमारी त्वचा पर देखने को मिलता है। हमारी त्वचा पर खराश, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स, फोड़े और फुंसियां भी इसी की देन होती है। ऐसे में अपनी बाहरी रोकथाम करने की बजाय पहले रक्त की अशुद्धता को समझ लिया जाए तो यह आपके लिए बेहतर होगा। चेहरे पर फुंसियां और मुहासे, त्वचा पर दाने, नजर में कमजोरी, पीलिया, सिर दर्द, एलर्जी जैसी समस्याएं, चेहरे पर झुर्रियां, त्वचा पर खुजली और जलन, बाल झड़ना, चिड़चिड़ापन, थकान आदि, इनमें से यदि आपको कुछ लक्षण दिखाई दे तो इसका मुख्य कारण रक्त विकार होता है। खून में खराबी होने के कारण। खून में खराबी होने का अर्थ होता है खून में विषैले पदार्थों का घुल जाना। यह विषैले पदार्थ कई कारणों से हमारे शरीर में घुल जाते हैं। इसका मुख्य कारण है हमारा दूषित, विकार युक्त और बासी खान पान होता है। इसके मुख्य कारण कुछ इस प्रकार से होते हैं। पर्याप्त नींद न लेना, रात को देर से सोना और सुबह भी देर से उठना, लिवर का सही तरीके के साथ काम न करना, खराब और बासी आहार का सेवन, तला भुना हुआ भोजन, जंक फूड, पानी का सेवन कम करना, तनाव, हार्मोन्स में बदलाव, मधुमेह, मोटापा। यदि इन विकारों को पहचान कर इन्हें जल्दी से दूर न किया जाए तब यह घातक रूप लेकर भी सामने आ सकता है। इसलिए इसे जितनी जल्दी हो दूर कर लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डनके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।